हेलो दोस्तों, राजवंश सिंह मोहाली प्रॉपर्टी गुरुकुल में आपका बहुत बहुत स्वागत। और आज का टॉपिक आपकी ज़िंदगी को लेके है। आप बैंक में जाते हो, पार्टियों को चेक देते हो, चेक कैसे भरना है उसके बारे में मैं बात करूंगा। सो चेक भरने में कौन सी सावधानियों का आपने ध्यान रखना है, इस बात के लिए ये वीडियो है। क्योंकि मैंने देखा है चेक भरते समय लोगों के साथ ठगी कर लेते हैं, चीटिंग कर लेते हैं। सबसे पहले तो मैं ये चेक की मैंने ये शक्ल बनाने की कोशिश की है। चलो, मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है। ये यहाँ पर होगा पहले जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, फिर डिटेल्स ऑफ बैंक या ब्रांच जो भी है, उनका IFS कोड होगा, उनके जो भी है उनके बारे में होता है। ये मैं चेक आपके सामने ही रख देता हूँ। जैसे ये उसका बैंक की डिटेल है, IFS कोड हो गया, एड्रेस वगैरह हो गया सारा। ये डेट होगी, डेट और मंथ ईयर, ये इसमें आपने भर देना है। जैसे आज 16 है, इसको 16 भर सकते हो, 16/4/2022, इसको इस तरीके से भर लेना है। और उसके बाद आता है पे वाला। पे को बस यहाँ पर आपने लिखना है सेल्फ का, लिखना है सेल्फ का, यदि पार्टी के चेक देना तो ये। और उसके बाद यहाँ पर अमाउंट भरनी है आपने। ये आपका अकाउंट नंबर है, ये आपके सिग्नेचर ऑफ डिटेल है, यहाँ पर फिर चेक नंबर आएगा और जो बैंक की दूसरी डिटेल वगैरह आ जाती है। तो सबसे ज़रूरी जो पार्ट है इस चेक का, उसमें हमने अमाउंट कैसे फिल करनी है उसके बारे में मैं बात करना चाहता हूँ। और मैं आपको चेक भर के ही दिखाता हूँ। जैसे ये चेक है तो मैं अगले उसमें मतलब क्लिप में ये आपको चेक प्रैक्टिकल भर के दिखा रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच। तो मैं ये आपको बताना चाह रहा था कि चेक को कैसे भरना है। और चेक ना भरने के पहले मैंने आपको बताया कि कैसे 1992 में किसी आदमी ने FDO में गड़बड़ करके उसमें अल्ट्रेशन किया था। तो आपका चेक अल्ट्रेशन ना हो, तो इसलिए मैं आपको साक्षात चेक भरने के बारे में बताना चाहता हूँ और भर के दिखा रहा हूँ। ये सबसे पहले तो है इसमें पे का, यदि आप सेल्फ लिख सकते हो, किसी और अपना समय लिख सकते हो, खुद लिख सकते हो। यदि ये यदि किसी पार्टी के नाम पे देना है तो सपोज मैंने ये चेक अनमोल सिंह के नाम पे देना है, ये अनमोल सिंह लिख दिया मैंने। यदि आप सन ऑफ वगैरह लिखना है तो लिख दो, नहीं लिखना तो कोई बात नहीं। इसमें ये ऐसे लाइन लगा देनी है, ठीक है जी, ये लाइन लग गई। और अब आता पार्ट इसका कि आपने मैंने अनमोल सिंह को चेक दिया है 8000 रुपये का, सपोज मान लो 8000 रुपये का, 8000, ये 8000 लिखा गया, ये लो मैं 8000 रुपये लिख दिया। और यहाँ पर लिख दिया मैंने 8000 ओनली भी साथ में लिखना है, क्योंकि बैंक वालों का ये प्रोटोकॉल है 8000 ओनली। तो अब ये देखने वाली बात ये है, जो यो मैंने ये जगह छोड़ी है बीच में, ये जान के छोड़ी क्यों है, क्यों छोड़ी है कि इसमें कैसे लोग अल्ट्रेशन करके आपके साथ धोखा करते हैं उसके बारे में। अब 10 और लगानी हो तो क्या प्रॉब्लम है, यहाँ पर 10 लग गई और इसमें आपको 80 लगाना है, वाई लग गया, 80000 का चेक हो गया। यदि अनमोल सिंह चाहिए 8000 के चेक को 0 लगा के 80000 भर सकता है। तो हम पहले जब मैं बैंक में था तो अभी ड्राफ्ट हम बनाते थे, ड्राफ्ट के ऊपर हम ये अमाउंट लिख के उसके ऊपर टेप लगा देते थे ताकि उसके उसमें कोई भी आदमी चेंज ना कर सके। सो ये आपने ध्यान रखना है। ये है DD का, डेट का, जैसे आज डेट है 16 और फिर मंथ है 4 और ईयर है 2022, ये 2022 लिख दिया। और यहाँ पर अब ये साइन है, ये अकाउंट की डिटेल है किसकी है, और यहाँ पर साइन, ये जो भी हमने साइन जिस तरीके से साइन करने ये कर देगा आदमी। ये अकाउंट नंबर हो गया, ये इसमें चेक में IFS कोड, जो अबाउट दी ब्रांच जो भी है, IFS कोड हमें चाहिए जब हम पैसा ट्रांसफ़र करते हैं। तो ये इस तरीके के से हम कर सकते हैं। तो मैं 1992 में जब मैं बैंक में था तो मेरे पास हमारा कोई दोस्त, मेरा जानकार था अच्छा, तो वो आया कि उसने अपने बच्चे को बाहर भेजना था। तो वो कहता जी मैं एम्बेसी में मैंने पैसे दिखाने हैं, तो मैं कैसे करूं, तो पैसे उसके पास है नहीं। तो मैंने कहा भी FDO करवा लो, कहता पैसे तो मेरे पास है नहीं। तो उस बंदे ने किसी से मिलके 8000 की बैंक में पहले FD बनाई और 8000 की FD में उसने अपने पास से 0 लगा के 80000 कर दिया। और 5-6 FDO वहाँ, तब मेरे ख्याल 4 लाख की रिक्वायरमेंट थी, 4 लाख रुपया दिखाना पड़ता था 1992-93 के बीच में। तो उसने ये मतलब सिर्फ 40000 की FDA थी उसकी, 5 FDA, उनको उसने 4 लाख रुपये शो कर लिए 0 लगा के। तो ये अल्ट्रेशन हो सकती है यदि इसमें हमें यहाँ पर बिल्कुल कोई गुंजाइश नहीं छोड़नी। जब हमने 8000 लिखना तो इस तरीके से लिखना है, 8000 इसके बिल्कुल साथ में ही लाइन लगानी है और इसके सामने बराबर का निशान डाल देना है,
ये बराबर का डाल दो, या ये लाइन के बिल्कुल साथ में आप कर सकते हो, ये इसको इसमें थोड़ा हटके भी कर दोगे, यदि आप 8000 ऐसे कर दोगे, 8000 ऐसे करोगे तो इसमें 18 बन सकेगा, ये भी फिर ये 18 भी बन जाएगा, 18 या 80 है तो इसको आप 18 भी लिख सकते हो। तो मतलब आपका चेक मिस यूज ना हो जाए, इसलिए ये वीडियो थी। मैं बैंक में काम किया, लंबे समय से बैंक में काम किया, मैंने लंबे समय तक काम किया, तो ये जो टेक्निकल प्रॉब्लम्स आती थी ये आपको ना आए, इसलिए ये आज की वीडियो है। कि वीडियो पसंद आए लाइक करना, शेयर करना, इसके ऊपर चर्चा करना, आपका सवाल हो कमेंट बॉक्स में, कोई नए टॉपिक पर वीडियो चाहिए वो भी कमेंट बॉक्स में, तो चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करके घंटी वाला बटन दबा दो। हम मिलकर एक दूसरे के साथ नॉलेज शेयर करके आगे बढ़ना चाहते हैं, पढ़ेंगे हम तभी तो बढ़ेंगे हम। आपका दोस्त, आपका होस्ट राजवंत सिंह मौली, थैंक यू वेरी मच।